तो हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं मैयर घूमने के लिए। तो पहले जाएंगे हम लोग इलाहाबाद, बढ़िया, वहां पे फिर नहाएंगे और उसके बाद फिर बैठेंगे ट्रेन में और फिर जाएंगे हम मैयर। तो फाइनली अब हम लोग अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्यों? हाँ। चलो हम जा रहे हैं सीधा झांसी, और झांसी से बैठ रहा है सीधा इलाहाबाद के लिए। अब हम इलाहाबाद का स्टेशन दिखाएंगे आपको डायरेक्ट, ठीक है? ओके ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद। तो देखिए, ये पीछे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और अंकल जी भी आए हुए हैं साथ में। तो हेलो गाइस, देखिए ये अंकल जी हैं और ये आंटी जी हैं और ये मेरी सिस्टर है। आज अंकल इधर सोया नहीं बिल्कुल। आज यार पूरी रात नहीं सोए, ऐसे ही बैठे हैं। अब देखो, यहाँ इसके बाद जाएंगे हम लोग इलाहाबाद में, जहाँ पे सब लोग जाते हैं घूमने, दर्शन करने, देखने, जो कुछ भी। अब वहाँ का सीन दिखाएंगे आपको, ठीक है? ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। देखिए, ये पुचकी है और ये आयुषी हैं, और सामने अंकल जी बैग लिए हुए हैं, और ये सामने देखिए वो ये रिवर है और कितनी सारी नाव लगी हुई हैं पास में। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं नहाने के लिए जगह, कि कौन सा जगह स्थान अच्छा है नहाने के लिए, और इस वजह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे जगह अच्छी मिलेगी हम लोग वहीं पे बढ़िया नहाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं नहा धो के फ्री होके बढ़िया क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और साथ में एक बिंडली भी रख लिया है, आगे बैठ के बढ़िया अकेला इलाके देख के बढ़िया बैठ के पीऊँगा, किसी को बताना मत प्लीज। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, शायद जान पहचान के ना हो, इसलिए मैं एकांत जगह देख रहा हूँ जहाँ अकेले बैठ के बढ़िया बिंडली फूंक सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है नदी और यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब बहुत जोरों की जब बारिश वगैरह होती है तब देख सकते हो कि यहाँ पे जे वो ना, मतलब थोड़ा चटक जाता है ना, मिट्टी वगैरह निकल जाती है। अभी वो अंकल जी मना कर रहे हैं कि वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जब जोरों की बारिश होती है या ज़्यादा तेज पानी आता है तब बुंदेलखंडी में बोला जाए, मतलब तो जा मट्टी, मतलब भसक जाऊँ तो और पानी में मिल जाए, सीधी बात, तो आदमी के बेबे को खतरा पड़ जाता। तो जा बैरिए से भैया मना कर रहे थे कि आदमी कहते नहीं जाओ पास में, सब नहीं जा रहे हैं, खेल दूर ही से दिखाई दे रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है यहाँ पे, और ये गंगा नदी है और देख सकते हो ये मिट्टी निकली हुई है यहाँ की, तो लोग जाने नहीं देते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आगे चलते हैं मंदिर की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मंदिर है, एक बहुत अच्छा लेटे हनुमान जी का। देखिए, ये बहुत ही फेमस मंदिर है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे जाते हैं, और हम भी आए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। ये पुचकी है और ये आयुषी दीदी है, और देख सकते हो ये हनुमान जी की कितनी मस्त प्रतिमा है। हनुमान जी की ये मूर्ति देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रियलिटी में हमारे सामने हमारे हनुमान महाराज विराजमान हो। सच्ची में काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। देखो, आयुषी देख रही है नीचे, और देखो जे दोनों जे खड़ी हुई हैं, और हम लोग फोटो निकाल रहे थे यहाँ पे, और ये भाई अभी माला चढ़ा रहे हैं, और अभी हम लोग लाइन में लगी हुई हैं प्रसाद के लिए। काफ़ी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। और अभी हम आ चुके हैं लेटे हनुमान जी के मंदिर के बाहर। यहाँ भगवान जी की दो प्रतिमाएँ हैं और यहाँ पर हम लोगों ने चढ़ाया प्रसाद, और ये आगे हम देखते हैं, काफ़ी सुंदर मंदिर था तो हमने सोचा चलो इसके अंदर चलते हैं।
और अब हम यहाँ का सीन दिखाएंगे कैसा लगता है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। और ये हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ से देखते हैं कितनी ऊंचाई पर आ गए हम। ओ तेरी, यहाँ पे काफी ऊंचा है यार जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये काफी ऊंचा मंदिर है। आप भी कभी इलाहाबाद आओ तो ये मंदिर जरूर घूमना। और ये पुचकी देखो कितनी खुश लग रही है, बढ़िया मंदिर में घूम रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अभी हमने इलाहाबाद के मंदिर अच्छे अच्छे सारे घूम लिए, और अब हम निकलते हैं मैयर की ओर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग, शाम की ट्रेन थी तो शाम को बैठ गए थे और मॉर्निंग में पहुंच गए थे, तो नाइट में बना नहीं पाया कुछ भी। और अब हम डायरेक्ट दिखाएंगे मैयर में कैसा लगता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैयर में पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हो आप, ये मैयर का सीन है। और ऊपर काफ़ी ऊपर मंदिर है। और अभी हम लोग दुकान पे रुके हुए थे, बढ़िया नहाया और थोड़ा सामान वामान ले रहे हैं अभी हम लोग। तो देखो ये हम लोग सामान ले रहे हैं, दिखाते हैं 1 सेकंड आपको, दूसरे वाले कैमरे से दिखाते हैं। तो हम सब लोगों ने यहाँ से लिया प्रसाद, और प्रसाद लेते टाइम भैया बोले कि आप हमारे यहाँ शौच करने गए, रुके और नहाया धोया, तो इस वजह से हम प्रसाद में जो जो देंगे वो आपको लेना पड़ेगा। तो पूछ की कह रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम जितना लेना होगा हम उतना ही लेंगे, बट भैया बोले आप हमारे यहाँ रुके हुए थे तो इस वजह से हम जितना देंगे उतना लेना पड़ेगा। तो हमने भैया की बात मानी और 250-300 का जो भी हुआ प्रसाद लिया और आगे मंदिर की ओर चल दिए। और यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं, काफ़ी नहीं खुली क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखो प्रसाद ले लिया है और सभी लोग साथ में हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ हैं, और बढ़िया हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जो माता रानी का प्रसाद लिए हैं। और ये अंकल जी हमारे, अंकल जी हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो। और ये दुकानें लगी हुई हैं, अभी बंद है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अभी काफी दुकानें यहाँ पे बंद है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के मंदिर के नीचे गेट तरफ, और यहाँ पे हम लोग लिए थे नारियल, तो नारियल यहाँ पे तोड़ना मना था अंदर, तो हम लोगों ने यही मशीन से नारियल तोड़वाया। ये आप देख सकते हो ये नारियल तोड़ने की मशीन लगी हुई है, और एक अंकल जी बैठे हुए हैं जो नारियल तोड़ते हैं इस मशीन से। और यहाँ मैयर में काफ़ी सीढ़ियाँ हैं तो लोग चढ़ नहीं पाते हैं, इस वजह से यहाँ पे देखो लिफ्ट लगी हुई है, अगर आपको ऊपर जाना है बगैर चल लिए तो बढ़िया बैठो आराम से और चले जाओ। आने जाने का टिकट है 150 रुपया, कुछ ज़्यादा नहीं है अगर जैसे जाना हो। और हमने आगे देखा कि 3-4 छोटी छोटी बच्चियां थी जो सभी श्रद्धालुओं के पैर पकड़ रही थी कि पैसे दो मुझे तब मैं आपको आगे जाने दूंगी या नीचे उतरने दूंगी। तो भाई लोग इनके पेरेंट्स को ये रोकना चाहिए, ये गलत है, छोटी छोटी बच्चियाँ पैर पकड़ रही हैं तो भाई लोग ये सरासर गलत है। जोर से बोल लो, जोर से बोल लो, और जोर से, और जोर से, जय माता की, जय माता की, जय माता की, की जय, की जय। और फाइनली हम लोग मंदिर के पास में पहुंच ही गए काफ़ी मेहनत करते हुए, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी भीड़ है तो हम अभी आगे जा नहीं पा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी सारी भीड़ है यार, और मेरे आगे भी बहुत सारी भीड़ है, लाइन के लाइन लगी हुई है। और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है, ये माता शारदा का मंदिर है। और अब हम लोग अंदर दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे माँ शारदा कितनी अच्छी लगती है, हमारी माता रानी कितनी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी माँ शारदा, तो आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो जय माई की। फ्रेंड्स अंदर मंदिर की काफ़ी भीड़ थी और अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं था, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए अंदर की।
तो कोई बात नहीं, अब हम नीचे चलते हैं मंदिर के और बढ़िया यहाँ पे घूमते हैं कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ का सीन। और देखिए ये हमारे बगल में पुचकी खड़ी हुई है और ये आयुषी दीदी है, जय माई की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये लिफ्ट अंदर जा रही है और कुछ लिफ्टें बाहर जा रही हैं और ये पुचकी मजे ले रही है यहाँ पे खड़ी हुई। पुचकी कैसा लग रहा है यहाँ पे? ओह कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे लिफ्ट जा रही है तो देखो हाई कर रही है ये। अभी हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अब प्रसाद खा के सीधा जाएंगे अखंड ज्योति लेने के लिए, फिर जाएंगे नीचे मंदिर के और फिर घूमते घामते जाएंगे घर पे। चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे। और ये यहाँ पे देख सकते हो काफी गहराई है, हम लोग नीचे उतर रहे थे तो काफी ऊपर आ गए थे फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ से ऊंचाई थी कम से कम 1,500-2,000 सीढ़ियाँ थी फ्रेंड्स, तो चलते चलते मेरे पैर थक चुके थे। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा है नारियल तोड़ना मना है, लेकिन इसके नीचे ही जस्ट नारियल तोड़े जाते हैं। देखो भाई लोग अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, बहुत ऊपर गए थे अभी माता रानी के दर्शन करने। और ये देखो हमने हाथ में ले लिए चने खाने के लिए। और नीचे उतरते ही हमें दिखा भंडारा और हम आ गए भंडारे की लपेटे में। तो हम सब ने भंडारा खाया और भंडारा खाने के बाद बाहर आए तो यहाँ पे सिंदूर मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे अपनी मम्मी के लिए सिंदूर लिया और सभी लोगों ने जिस जिसे लेना था तो सब ने यहाँ से और भी सामान लिए खरीदे और बढ़िया दर्शन करके अब हम लोग निकल गए अपनी ट्रेन की ओर। तो ट्रेन में बैठने के बाद भाई लोग हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। ये हम लोग आ गए ट्रेन में और ये सामने पुचकी बैठी हुई है और ये मैं बैठा हूँ और नीचे बकाया सब लोग बैठे हुए थे। और ये देख सकते हो जनरल का डिब्बा है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो देखिए फ्रेंड पुचकी ये खा रही है, क्या खा रही, क्या खा रही हो? ये छोटा वाला बाबू लेटा है, ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मैहर से आए तो काफ़ी थक चुके थे, तो भैया 3 दिन कंटिन्यू अच्छे से नहीं सो पाए, तो भैया अब हम सोने जा रहे हैं। और आपको ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भैया ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं, सी यू।